सुबह के 4:50 दोस्तों हम लाइन में लग गए हैं चाय के लिए। दोस्तों 5 बज गए हैं, हम लोग चेक पोस्ट से बाहर आ गए हैं। ये लोग सिर्फ गिनती कर रहे थे बस एक एक करके और छोड़ते जा रहे थे। दोस्तों ये पूरा रास्ता फिसलन भरा है। अब यहाँ से गणेश टॉप की चढ़ाई चालू होती है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये आपका शेषनाग पीछे छूट गया और सब लोग आगे पंचतरणी की ओर बढ़ते हुए सबसे पहले गणेश टॉप आएगा, इसके बाद पौषपत्री, ऐसे ही फिर हम लोग पंचतरणी पहुँचेंगे और पंचतरणी से 6 किलोमीटर दूर लगभग गुफा है। तो आइए चलते हैं आगे। बहुत ही कठिन चढ़ाई थी और लगभग हम लोग 2.5 से 3 किलोमीटर चढ़ चुके हैं और बहुत कठिन चढ़ाई थी। आप सामने देख रहे हैं ये जो सफ़ेद बर्फ की पहाड़ ऊपर दिखाई दे रही है और एक बीच में कोना, इसी के नीचे शेषनाग था और वहाँ से चल के हम यहाँ आए हैं। और ये बाबी बल ये कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे गर्म पानी वगैरह देते हैं पीने के लिए। और इससे 1 किलोमीटर लगभग और आगे जाएंगे ऊपर, आप देख रहे होंगे तो वो गणेश टॉप दिख रहा है। तो इस तरह से हम, आप ये बोर्ड देख सकते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है बाबी बल आ चुके, महागणेश टॉप 1 किलोमीटर, पौष पत्री यहाँ से 3 किलोमीटर, होली केव यहाँ से 17 किलोमीटर है। तो इस तरह से अभी हमें गुफा तक पहुँचने के लिए यहाँ से 17 किलोमीटर का सफ़र तय करना है और इसी तरह धीरे धीरे हम पहुँचते रहेंगे, आपको अपडेट भी करते रहेंगे। तो अभी यात्रा जारी है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस पूरी सीरीज में और मेरा आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग देख ही रहे हैं कि कितनी मेहनत पड़ती है सब वीडियोज़ बनाने में, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा इतना तो बनता है। और आप लोग लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों को यहाँ के बारे में जानकारी मिल सके, सब लोग बाबा के दर्शन करने आ सके। दोस्तों ये बबल टॉप है या बाबल जो भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा गर्म पानी पियेंगे और फिर सोएंगे, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर हमें, आप सामने देख रहे हैं, चढ़ाई करनी है महागणेश टॉप के लिए। बोले गर्म पानी है। दोस्तों हम लोग गणेश टॉप की ओर बढ़ते हुए, भोले आपस में भूल।
दोस्तों, ये जो ऊंचाई पे दिख रहा है सामने गणेश टॉफी है, लेकिन अभी यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है। लगभग 1 किलोमीटर ये सीधी चढ़ाई चढ़नी है। आइए चलते हैं। अब आप लोग सोचिए कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत पड़ती है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए। कहाँ कहाँ लड़ाई लड़नी पड़ती है आप देख ही रहे हैं। ओम शिव। देखिए दोस्तों, देखिए कितना खतरनाक रास्ता है, कैसे लोग घोड़े से गिरते हैं। देखिए गिरते गिरते महिला बची। देख रहे हैं बर्फीला रास्ता है, और ये गणेश टॉप के बाद यहीं से देखिए आप बर्फ मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। कैसे लोग बच बच के आ रहे हैं छड़ी के सहारे, आप देख रहे हैं चारों तरफ। हालांकि लोग बताते हैं थोड़ा सा बर्फ कम हुआ है, अब मुझे तो नहीं पता।